नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तहलान एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आप किसको दोष देते हैं? आप दोष देते हैं अपने खाने पीने को कि मैंने शायद गलत खाना खा लिया इसलिए मैं बीमार हो गया, या मौसम को कि सर्दी में मैं बीमार हो गया या बारिश में भीग के मैं बीमार हो गया, और भी ऐसे बहुत कारण हैं जिसमें हम उन चीज़ों को दोष देते हैं जिस वजह से हम बीमार होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। जी हाँ, अगर आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत कमज़ोर होती है तो आप जल्दी बीमारी के चपेट में आते हैं, आप जल्दी संक्रमित होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो बीमार होते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों की दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों की दिनचर्या अलग होती है। तो हमें क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम बीमार ना हो? अगर हम बीमार हों तो हम जल्दी ठीक हो जाएं, है ना। हम एक ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहेंगे जिससे हम बीमार ना हो, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारा रूटीन कैसे शुरुआत होती है, हमारे रूटीन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह से। तो हमें सुबह कब उठना चाहिए? सूर्य उदय से पहले, कम से कम 2 घंटा पहले उठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप सूर्य उदय तक उठ जाएं। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ, सूर्य उदय से पहले ही क्यों? क्योंकि उस समय हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप उस इन्वायरमेंट में ब्रीथ करते हैं, उस इन्वायरमेंट में आप सांस लेते हैं, तो आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आपके सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे ऑर्गन्स भी इससे बने। अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे से ऑक्सीजनेट होंगे तो अच्छे से फंक्शन करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छे से बनेगी, है ना, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद आपको मुँह हाथ धोना चाहिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करने चाहिए, जिससे अगर आपको कफ है तो कफ की समस्या दूर होगी। और नमक के पानी के गरारे करने के बाद आपको तेल के गरारे करने चाहिए। जी हाँ, चौंकिए मत, तेल के गरारे। आप चाहे तो नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा टीस्पून आपको लेना है, ठीक है। फिर उसको गटकना नहीं है, आपको मुंह में लेकर उसको कुल्ले करने हैं, और जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करें और फिर उसको थूक दें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके मसूड़ों से खून आता है, या आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, या आपके मुंह से बदबू आती है, तो ये जितनी भी आपकी ओरल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। आपके म्यूकोजा, जो आपके ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा है, वो हेल्दी होगा। तो इसके बाद आप क्या करें, गरारे करने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी पिए, ठीक है। फिर फ्रेश होए, अच्छे से पेट साफ होने के बाद आप नहाए धोएं, उसके बाद आप क्या करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक्सरसाइज आपको डेली करना चाहिए। आप भले ही आधा से एक घंटा करें, लेकिन आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद आप मेडिटेट करें, 5 मिनट ही करें पर मेडिटेट करें। मेडिटेट करने से आपका माइंड काम होगा, आपका मन शांत होगा, तो आप दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद आप अपना नाश्ता करें, भरपेट नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद ही अपना दिन का काम शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल गोइंग है, आप जो भी जॉब करते हैं, आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देंगे, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और तो और, आपकी इम्यूनिटी कैसे बनेगी? आपकी इम्यूनिटी आपके खाने पर भी निर्भर करती है, ठीक है। ओके, यह बात हुई हमारे मॉर्निंग रूटीन की। अब हम बात करते हैं दोपहर में आपको क्या करना चाहिए, आपको दोपहर का खाना कब खाना चाहिए। देखिए, दोपहर के टाइम हमारा पिट सबसे ज़्यादा हाई होता है, इसलिए बोला जाता है कि आप दोपहर का खाना कम से कम 12 से 1 बजे के बीच खाएं, क्योंकि उस टाइम पित्त ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। अगर उस समय अगर आप खाना खाते हैं तो आपका पित्त आपको खाने को पचाने में इस्तेमाल होगा। अगर आप उस टाइम खाना स्किप करेंगे तो ज़्यादा ऐसे ही बनेगा, ज़्यादा हार्टबर्न, आपको ज़्यादा खट्टी डकारें आएंगी। इसलिए आप दोपहर 12 से 1 के बीच में आप खाना खाएं, दिन में दोपहर में थोड़ा सा आराम करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं शाम के रूटीन की। शाम को आपको क्या करना चाहिए? शाम का समय सबसे अच्छा होता है फ्रूट्स खाने के। अगर आप शाम के समय अगर आप फ्रूट खाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो आप फ्रूट्स खाएं। और
आपको जो रात का खाना होता है, आपको जो डिनर होता है, वो आपको शाम को 6 से 7 के बीच में खाना चाहिए। हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि शाम के 6 से 7 के बीच में आपको हो सकता है ऑफिस होते होंगे, है ना, आपको टाइम नहीं मिलता होगा कि आप उस टाइम खाना खा पाए। अगर खा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप छुट्टी वाले दिन तो एटलीस्ट ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप रात को सोने से 3 घंटा पहले आप अपना खाना खा लें, ये नहीं कि खाना खाया और आप सो गए, ठीक है। खाना खाने के बाद आप कम से कम आधा घंटा टहलें, ये आपको अपनी आदत बनानी चाहिए। अब आपको सोने के बारे में, आपको नींद जो लेनी होती है वो तो कम से कम आप शांति से लें, क्योंकि आप दिन भर की टेंशन्स आपके मन में होती है ना, आपने क्या अचीव किया पूरे दिन, क्या अचीव नहीं किया, किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या बात बुरी लगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में होती है। तो हमारे मन को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आपका जो मन है ना वो आपको बॉडी से रिलेटेड है, आपका जो हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने काम हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे तो आपका हॉर्मोनल बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए क्या करें, आप मेडिटेट कर सकते हैं सोने से पहले। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप आराम से जब आप लेटते हैं बेड पर या बिस्तर पर जब आप लेटते हैं तो आप अपनी आँखें बंद करें, आँखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। तो आप जब अपनी सांसों को महसूस करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी सांसों की तरफ जब ध्यान जाएगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी। आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपका जो बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। जब बॉडी की ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कैसे हम अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं और बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज की वीडियो के बारे में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।